इसी का दूसरा, दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, इकट्ठा जवाब दे सकते हैं। तीसरा मैं आपकी अनुज्ञा से इस पर जो कुछ कहना है मान्यवर, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। पढ़ाई और दवाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन दोनों के प्रति बड़ी चिंतित भी है और चिंतित ही नहीं है, कुछ कर भी रहे। इससे पहले कितने अस्पताल खुले पिछले शासन में, कितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुले पिछले शासन में, ये गौर करें। और अब माननीय योगी जी के नेतृत्व में इनके सरकार में कितने अस्पतालों जो सुविधाएं दी जा रही है विद्यालय की, विश्वविद्यालय की। अभी इन्होंने जो कहा है कि निजीकरण से व्यवसायिक मानसिकता को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला जो विधेयक आ रहा है उसमें तीन सरकारी विश्वविद्यालय का है और उसके कंपैरिजन में एक निजी विश्वविद्यालय का है, जहां सरकार सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी और अग्रसर है, वही निजी विश्वविद्यालय को अवसर इसलिए मिल रहा है कि जब प्रतिस्पर्धा होती है तब आउटपुट अच्छा आता है, गुणवत्ता सामने आती है। अब आप देखिए कि जब जब निजी विश्वविद्यालय बढ़े तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी एजुकेशन की इन्हीं के शासनकाल में बी प्लस श्रेणी का भी एक भी विश्वविद्यालय नेट रैंकिंग में नहीं था, बी प्लस का था। और जब माननीय योगी जी की सरकार आई है तब प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और 5A++ की रैंकिंग में रैंक के सरकारी विश्वविद्यालय आ गए, 1++ सरकारी विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय A++ की श्रेणी में आ चुके हैं। A+ और श्रेणी में और B+ की तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूं। और बात कौन कर रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता की, जो कभी कहा करते थे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे तो हमको राजनीतिक वोट दे दो, ये शर्मनाक स्थिति प्रदेश में हुई है। तो हम तो इन विश्वविद्यालय के खुलने से जहां एक और गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा की क्वालिटी मेंटेन होगी, लोगों को अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, शैक्षिक और गैर शैक्षिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विश्वविद्यालय खुलने से आसपास के वातावरण में रोजगार होता है उसको उपलब्धता होगी। और इन्होंने तो मालूम नहीं वो उदाहरण दिया कि अगर किसी को जुखाम हो जाए तो नाक काट दो, जुखाम ही नहीं रहेगा, नाक कट गई तो नाक में जुखाम नहीं होगा। अरे अगर जुखाम हो गया तो जुखाम को ठीक करने की दवा दी जानी चाहिए। जब से हमारी सरकार आई है आप लोगों की जो व्यवस्था में नकल थी वो रोकी गई है और हमने पेपर लीक होते थे, अब पेपर लीक होना बंद हो गया है, उसकी व्यवस्था की। अब इस तरीके से सुधार लाना चाहिए, आप सुधार लाने के सुझाव दीजिए, ये बच्चे की नाटक ठीक है ठीक है। हम जुकाम ठीक करना चाहते हैं इसलिए हम विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जब खुलेंगे तो उसमें अवसर मिलेगा रोजगार का, पढ़ने का और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक, जितने ज्यादा विश्वविद्यालय खुलेंगे तो उतने ज्यादा एरिया को घेरेंगे, वरना दूर दराज से क्षेत्र से लोग आते हैं। मैं जब आगरा विश्वविद्यालय पढ़ता था तो डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय नाम हो गया है तो ग्वालियर भोपाल तक के लोग पढ़ने आते थे। आज जब हर जगह जगह विश्वविद्यालय खुल गए तो लोकल लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं, उनको बच्चों को फीस से ज्यादा आने जाने में, रहने में, ठहरने में, इसमें खर्चा होता था, यह सब सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए जनहित में
मैं चाहूंगा कि ये अपना संशोधन वापस ले और इस प्रस्ताव को पारित करने में अपना सहयोग। छाछा टेक के लिए मैं प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय ब्रैकेट में चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड से विचार, प्रश्न यह है कि खंड दो से खंड न अभी करा रहे हैं, इस पर ले लें। प्रश्न यह है कि खंड दो से खंड चार तक तथा खंड एक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तथा खंड दो से खंड चार तक तथा खंड एक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मैं छाछठ दो के लिए मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। मैं आपके अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः यह विधेयक पारित हुआ। 663 माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। माननीय वर्मा जी, कोई है तो नहीं, कोई बोलने वाला है? अतुल जी, हाँ देना चाह रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, वो निजी में बोला था। मानव इसमें सिर्फ एक है कि जैसे सरकारी, हम लोग इसका स्वागत करते हैं सरकारी का, लेकिन सरकारी से पहले जो आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, क्या उन्हीं की तरह तो हाल इनका नहीं हो जाएगा? इसलिए प्रवर समिति को सौंपा जाए, क्योंकि पहली जो आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर जिक्र करें तो सब में पद खाली पड़े हुए, और जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे क्लासेस ज्यादा बढ़ रही हैं, आउटसोर्सिंग क्योंकि माध्यम बन गया, हर जगह आउटसोर्सिंग से लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन जो आपकी प्रॉपर यूनिवर्सिटियां 20 साल 30 साल 35 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, और चाहे वो आपके मेरठ की यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा जानकारी है, बाकी की भी जानकारी है, आप बस इतना बता दें सदन में कि जो पहली यूनिवर्सिटियां हैं, क्या उन पर भरे हुए पदों को आपने पिछले 7 साल में कहीं पर निकाले हैं क्या? क्या उनमें आरक्षण का पालन हुआ है क्या? क्या जो नए विश्वविद्यालय आपके बनने जा रहे हैं, क्या इनमें भी पहले जैसी स्थिति आप रखेंगे? दूसरा, वहां पर जो आपके स्टेट के जो कर्मचारी हैं, जो अपने राज्य विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, मैंने उनसे भी कई जगह बात सुनी कि चाहे छुट्टियों का मानक हो, चाहे अन्य चीजें हो, उनकी सैलरी और दूसरी सैलरी में कई बार अंतर नजर आता। मैं अपने तरफ से आपको प्रस्ताव दे रहा हूँ, सुझाव भी इसका कर रहा हूँ कि बाकी विश्वविद्यालयों में की तरह इनका हाल ना हो जाए। इसके लिए पहले से ही आप पूरी की पूरी एक सूची बना लीजिए जितने टीचर्स की जरूरत हो, भविष्य में हम लोग उसको आगे बढ़ा सके। तो इसके साथ साथ जो फीस है, फीस से किसी शिक्षक की या कर्मचारी की सैलरी ना दी जाए, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। जो भी वहां पर आपके सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चल रहे हैं, तो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में फीस अत्यधिक मान्यवर बढ़ा दी जाती है, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग, किसान परिवारों के लोग, पिछड़े दलितों के और अगड़ों के भी गरीब गुरबा लोग वहां पर पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो सरकारी यूनिवर्सिटी खुलने, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ उन सब चीजों का चाहे आरक्षण हो, चाहे आपकी क्या नाम, वहां पर जो पद पहले से यूनिवर्सिटी में खाली पड़े उसको देखते हुए नई यूनिवर्सिटियों में भी आप उसको रखें। ठीक है, माननीय मंत्री जी, इस पर कुछ 663 पे कुछ कहेंगे? कोई संशोधन तो है नहीं, सुझाव है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड दो से खंड सात तक तथा खंड एक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः खंड दो से खंड सात तक तथा खंड एक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। 664 माननीय मंत्री जी। तथा महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाए।
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ब्रैकेट में संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः यह विधेयक पारित हुआ। अब मत संख्या 67 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। माननीय मंत्री श्री ए के शर्मा जी पहले उधर।